Assalamualaikum viewers, welcome back to a new vlog. This is Haris. Today is 25 December. Qaid-e Azam का birthday, as you know. Qaid-e Azam मेरे back पे हैं और Qaid-e Azam ने बहुत सही कहा. There is no power on earth that can undo Pakistan, inshallah. तो हम आए हुए हैं आज यहाँ सेंट्रल पार्क. आज सेलिब्रेशंस हो रही हैं 25 दिसंबर Qaid-e Azam डे की. और 25 दिसंबर पे बहरिया बहुत अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है. आज इवेंट है, ईफिल टावर पे भी है, डांसिंग फाउंटेन पे भी है. एंड आई गेस द बेस्ट इवेंट टुडे इज़ हियर एट सेंट्रल पार्क. सेंट्रल पार्क में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो हम चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि सेंट्रल पार्क कैसा है और कैसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है बहरिया टाउन कराची ने. जिन्हें हक ने नजर दी है वो पाकिस्तान के परचम में झलकता देखते हैं एहतिशाम कायदे आजम. हमने टिकट ले लिया है, 200 पर पर्सन का टिकट है. सो अब हम जा रहे हैं अंदर, एक्सप्लोर करते हैं कि अंदर इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है. यहाँ पे कुछ फूड स्टॉल्स भी हैं, क्योसिक्स भी हैं, फूड. यहाँ पे सिटिंग एरिया है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है. गनवा क्या खाना है, खा लो यार, कुछ खा लो, अभी थोड़ी देर बाद गनवा को भूख लग जाएगी. दिस इज अ ब्यूटीफुल फोटो बूथ एंड मी एंड गनवा आर हियर इन द फोटो बूथ. इट्स ब्यूटीफुल, कम हियर एंड एंजॉय इफ यू आर लिविंग इन बहरिया टाउन कराची. अगर बाहर भी हैं सो इट्स अ मस्ट कम प्लेस. ये तो बड़े जबरदस्त हॉर्सेस हैं यार. जी क्या कह रहे हैं, थारोब्रेड घोड़े इंग्लिश रेस. अच्छा क्या नाम है इसका, इसका जूनियर वन है, इसका लकी वन है. ओके क्या नाम बताया आपने, हर जी, ये कौन सी थारोब्रेड इंग्लिश घोड़े. अच्छा हाँ भाई, देख के लग रहा है. मेरा नाम है वसीम, इसका मुनीर. अच्छा आप वैसे चार्ली चैपलिन जैसे लग रहे हो, आपने पूरी ड्रेसिंग भी वही चार्ली चैपलिन वाली की हुई है. Beautiful horses. भाई इट्स अ गुड इवेंट स्पेशली फॉर किड्स. छुट्टियां आजकल, सो इट्स अ गुड इवेंट. ये 24th से 31st तक का है इवेंट. इट्स अ विंटर फीस्ट और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं. यहाँ पे जंपिंग कैसल भी है और छोटी छोटी सी राइड्स हैं किड्स के लिए. And this is the jumping castle. Creamy cravings, chips, coffees. अच्छा यहाँ पे कुछ stalls भी हैं और purse के stalls हैं. You gonna buy a purse? Assalamualaikum, how are you?
So how is the event going? It's going good. We just started as an inaugural day. Okay, today is the first day? Today is the first day, yes. Okay. Inshallah, by tomorrow, hopefully it's going to pick up. Yeah, today, aaj bhi kaafi awam hai. No, no, but we are hoping more vendors will join in by tomorrow. Yeah, yeah, inshallah, inshallah, inshallah. Best of luck. Most welcome. Thank you. ये भी स्टॉल है यहाँ पे गर्ल स्टफ है पॉपकॉर्न ये कॉटन कैंडी जो हम बचपन में खाते थे भाई ये इतनी है तो छोटी हो गई ये इतनी है कॉटन कैंडी जब बड़ी होगी अभी क्योंकि हम जब छोटे थे जब खाते थे जब तो बहुत बड़ी होती थी भाई अब महंगाई के साथ छोटी तो नहीं हो गई है बहुत छोटी दे रहे हैं ये तो बहुत छोटी दे रहे हम जब छोटे थे ना तो ये बहुत बड़ी देते थे और जब आप छोटी हो तो ये बहुत छोटी दे रहे हैं नहीं चाहिए और भी स्टॉल्स हैं देखते हैं ये और स्टॉल्स किस चीज के हैं भाई किस चीज का है स्टॉल ये अच्छा ये ओके 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 ये राइड की स्टॉल है यहाँ पे बड़ा रश है यहाँ पे देखते हैं ओ हो पटाखे ये सब बच्चों का स्टफ है सर मैजिक आइटम है सारे जादू की आइटम है हमारे पास अच्छा हम गायब तो नहीं हो जाएंगे नहीं, सर, से हाँ? ये देखें ये ब्लैंक है हमारा मोबाइल तो गायब नहीं होगा नहीं सर नहीं गायब होगा ये ब्लैंक दिखाएंगे इसमें कुछ है तो नहीं कुछ भी नहीं बिल्कुल ब्लैंक है बेटा इसमें फूंक मारें फूंक मारेंगे कोई भी तो इसमें आपको कार्टून नजर आएंगे यहाँ से फिंगर टच करेंगे ब्लैंक हो जाएगा वाह यार वाह यानी आपकी इसमें जादू था या उसकी फूक में जादू था मैजिक था हलवा की फूक में मैजिक था भाई हलवा आपकी फूक में बहुत मैजिक है यार ये सारी मैजिक ट्रिक्स सब आप भी दम करवा लें इससे शिफा हो जाएगी आपकी भी सेहत बढ़ जाएगी मैं बता रहा हूँ आपको आपको भी इसके दम की जरूरत है इनको दम कर दें बाबा जी दम कर दें बाबा जी जोर से मार दें थैंक यू सफदरगंज ग्रुप के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए बहुत बहुत जोर लगाए लोगों ने आपको एंटरटेन करने के लिए ऐसे लोग तो और भी कम होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं और ऐसे कोई कोई होते हैं जो एक नई मुमलिकत कायम कर देते हैं मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पर्याप्त वक्त तीनों कारनामे करके दिखा दिए 25 दिसंबर 1876 को वजीर मेंशन कराची में पैदा होने वाला एक बच्चा जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना बाय रखा गया मोहम्मद अली जिन्ना अपने 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे इनका शुमार बचपन से ही ज़हीन मगर शरारती तालिब इल्मों में होता था डालेंगे और इस काम से निकालेंगे ईमान का काम साफ हो जाएंगे आप सबको मजा आएगा इधर इधर ऐसे रखिएगा
नहीं कुछ नहीं होगा आपको, ऐसे रखेगा। 250 करवा दे प्लीज। अच्छा एक रुमाल, दो रुमाल, तीन रुमाल और ये आ गया रुमाल, आया नहीं तो कैसे आएगा मेरे साथ साथ 1 2 3 कैन तक पढ़ेंगे, कैन पढ़ते रुमाल कान के अंदर, तो बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपके कैन पढ़ते रुमाल ईमान के कान के अंदर। अब बताए निकालो या रहने दो, ऐसे रखेगा। अगर मैं इस कान से रुमाल निकाला तो फिर तो ताली बजाएंगे ना, तो मेरे साथ 1 2 3 बोले, बोले 1 2 3 तो ईमान से, ईमान के कान से आ गया ये रुमाल। अब तो जोरदार ताली। ग्रेट इवेंट, बहुत मजा आया। थैंक यू बैरियर टाउन कराची फॉर अरेंजिंग सच अ ब्यूटीफुल इवेंट। आज 25 दिसंबर है, कायदे आजम डे है। इट वॉज फन, बहुत इंजॉय किया हमने। आई होप आप लोग ने भी इंजॉय किया होगा। ऑर्गेनाइज हुआ है सेंट्रल पार्क में। सेंट्रल पार्क के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये बैरियर टाउन कराची सेंट्रल पार्क, इट्स अ रेप्लिका ऑफ अमेरिका सेंट्रल पार्क, और बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। इसको बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है और एवरी संडे यहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहते हैं। लेकिन 25 दिसंबर और आपको पता है कि न्यू ईयर है, तो ये 25 से लेके 31 तक यहाँ डेली इवेंट्स होंगे। सो इट्स अ मस्ट कम। अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आपको आना ही चाहिए। 200 रुपीज़ का एंट्री टिकट है, और कराची से भी आए तो इट्स नॉट बैड। काफ़ी लोग मैंने देखा कि जो बैरिया के नहीं हैं वो कराची से भी आए हुए हैं। आए इंजॉय करें। अच्छा ये हमारे बैक पे ये सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स हैं। सो अगर आप यहाँ पे कोई अपार्टमेंट बाय करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, बहुत ज़बरदस्त है, तो यू कैन कम इन द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट एंड विल कॉन्टैक्ट यू। सो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, तो भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।